मथुरा के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अपने गोद लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम भैसा में स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रथम न्याय पंचायत धनगांव में अपने गोद लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए CDPO को निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए। प्रत्येक कुपोषित बच्चे को पुष्टाहार, खाना, दवा आदि समय समय पर उपलब्ध कराते रहे। वहीं जिलाधिकारी ने केंद्रों के रजिस्टरों का अवलोकन किया, जिसमें उपस्थिति पंजिका, पुष्टाहार हेतु पंजीकृत बच्चों का विवरण, केंद्र पर आई गर्भवती महिलाओं का रजिस्टर आदि रजिस्टरों का अवलोकन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से जानकारी ली कि कितने बच्चे लाल श्रेणी में। वहीं जिलाधिकारी पुलकित खरे ने स्वयं 2 बच्चों का वजन भी करवाया। बता दें कि जिलाधिकारी ने अपने गोद लिए गए भैसा के केंद्रों का 3 मानकों पर विशेष बल दिया, जिनमें केंद्र की आधारभूत संरचना, संसाधन, पोषण सेवाओं की स्थिति और शाला पूर्व शिक्षा शामिल हैं। जनपद में सभी अधिकारियों द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी गोद लिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि जब ये अधिकारी हर माह इस स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करेंगे तो वहाँ की मूलभूत सुविधाएं भी ठीक कराएंगे और बच्चों के विकास के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी उन तक पहुँचेंगी। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा अपने स्कूल गोद लिए हुए स्कूल और आंगनवाड़ी का निरीक्षण करा गया। वहाँ पर जाके देखा गया कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो रही है, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं उनकी क्या स्थिति है। आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों का वजन कराया गया, ये देखा गया कि उनको सही तरीके से पोषण तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आगे भी इसी तरह से निरीक्षण करे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि पोषण और शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है।